एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध निकालिए। देखिए तार का जो प्रतिरोध होता है वो तीन चीज पर निर्भर करता है, एक उसका लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, और उसका पदार्थ पर। ठीक है, तो पदार्थ तो यहाँ हम लोग नहीं लेंगे। देखिए अगर तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का समानुपाती होता है, ठीक है, उसके बाद तार का जो प्रतिरोध होता है वो एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे आर तो ये हो जाएगा एल बाई ए, तो आर इक्वल टू जाएगा रो एल बाई ए। तो ये प्रतिरोध का फॉर्मूला इसे निकल गया। इसे साफ पता चलता है कि अगर लंबाई चेंज होगा, अगर एरिया चेंज होगा तो प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शुरू में तार का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 12 ओम, यानी कि ये जो आर दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 12 ओम। ठीक, इस 12 ओम वाला तार का लंबाई हम लोग मानते हैं कि एल है और उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। लेकिन अगर उसके लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया गया, जैसे ही लंबाई चेंज हुआ तो उसका प्रतिरोध चेंज होना चाहिए, तो वो नया प्रतिरोध हम लोग को निकालना। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि तार का नया लंबाई, तार का नया लंबाई एल डैश, और ये कितना हो जाएगा, पहले का दो गुना। जैसे ही लंबाई को दोगुना करेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले का आधा। तो तार का जो नया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग कितना मानेंगे, ए डैश, और वो कितना देगा, पहले का आधा। इसीलिए नया प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं आर डैश कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए चूंकि फॉर्मूला आर का फॉर्मूला क्या होता है, रहो यल बाई ए, तो आर डैश के लिए क्या हो जाएगा, यल डैश ए डैश। इसलिए आर डैश इक्वल टू रहो यल डैश का मान कितना है, 2L डिवाइड ए डैश का मान ए बाई टू, और आर डैश इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये टू पर चला जाएगा कितना जाएगा 4, फिर रहो यल बाई ए हो जाएगा, इसलिए आर डैश इक्वल टू देखिए 4 रहो यल बाई ए, रहो यल बाई ए क्या है, कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मान कितना है, 12 ओम। तो 12 ओम कितना हो जाएगा, 48 ओम। तो नया प्रतिरोध हो जाएगा 48 ओम। बनिए।